आप कब आई? जब आप रणनीति बनाने में डूबे हुए थे। भूख प्यास नहीं लगी आपको? अजब दे जब मेवाड़ की संपूर्ण सुरक्षा का उत्तरदायित्व हमारे कंधे पर हो, जब दुर्ग में शरण लिए हुए कम से कम 30,000 नागरिक हमारी ओर आस लगाए बैठे हो, एक ऐसा अडिग विश्वास मानो सूरज पश्चिम से निकला है पर हमारे होते हुए उन्हें कभी कोई छू नहीं पाएगा, उनका कभी कोई अहित नहीं हो सकता। ऐसे में जब हमें भूख और प्यास कैसे लग सकती है, जब राज परिवार को अपना दुर्ग घर महल विवश होकर छोड़ना पड़े, जब हमारे पुत्र को न चाहते हुए भी हमें छोड़कर जाना पड़े, ऐसे में हमें भूख और प्यास कैसे लग सकती है? कुंवर प्रताप, समय फिर एक बार आपकी परीक्षा ले रहा है और देखना, हमें पूरा विश्वास है फिर से एक बार आप ही की जीत होगी और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत ही शीघ्र सब इस महल में फिर से लौट आएंगे। चलिए अब थोड़ा सा भोजन कर लीजिए। फिर से भोजन का हट? देखिए, हमने छोटी माँ को एक वचन दिया है कि हम उनके पुत्र का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे और छोटी माँ ने भी हमें वचन दिया है कि वे हमारे पुत्र अमर सिंह जी का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। अब हमारा वचन निभाने में आप हमारी सहायता नहीं करेंगे? यदि आपने ऐसा नहीं किया तो फिर हम किससे आस रखेंगे? समझ गए, तो ये सब कुछ अपने पुत्र के लिए किया जा रहा है। ठीक है, मंगवाइए भोजन। कुंवर जी के लिए यहीं पर भोजन ला दीजिए। आइए। लगता है उदय सिंह का ही काफिला रुका था यहाँ पे, मतलब हम सही रास्ते पे हैं। चलो जल्दी चलो, हो सकता है सुबह होने तक हम उदय सिंह को पकड़ लें। जल्दी जल्दी चलो। भंवर जी, भोजन तैयार है, आ जाइए। अभी आए बड़ी रानी माँ। तैयार रहना, हम आज रात ही यहाँ से भाग जाएंगे। थोड़ा और ऊपर। चलाओ गोला और गोला किले की दीवार पर लगना चाहिए, किले की दीवार की बुर्ज पर लगना चाहिए। माशाअल्लाह, बहुत लजीज है। वापस चलाओ।
भागो तो। इन मुगलों को तो मैं देख लेना, चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के। ये मुगल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इस समय हमें बस शांत रहना है। विदित दूरी पर ही पर वहां से अगर वे 20-20 तोपों से भी गोले बरसाए क्योंकि गोले हमारे दुर्ग को छू नहीं पाएंगे। बस आप घबराइए मत, शांत रहिए। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, जब ये लोग जानते हैं कि तोप के गोले हमारे तक नहीं पहुंच रहे तो ये छोड़ क्यों रहे हैं? जो कारण धमाके कर रहे हैं इसे इनके तोप के गोले भले हमारी शांति भंग कर सकते हैं, हमें हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, हमारे मनोबल को कदापि नहीं तोड़ पाएंगे। इसलिए आप लोग घबराइए मत, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। भागो तो। प्रताप बस एक बार मुझे आज्ञा दीजिए, मैं बस एक या दो सहस्त्र सैनिकों के साथ जाऊंगा और अकबर पर आक्रमण करूंगा। उसके बाद आप देख लीजिए कुंवर साहब, हमारे दुर्ग की ओर गोले बरसाना तो दूर की बात है, ये हमारी ओर दृष्टि उठा भी नहीं पाएगा। कल्ला शांत हो जाइए, कैसी बातें कर रहे हैं आप, सोच समझ कर बात कीजिए। भगवान के, क्या आप शत्रु की सैन्य संख्या जानते हैं? अगर आप बाहर जाकर आक्रमण करते हैं तो ये आत्मघाती हो सकता है। युद्ध भूमि से केवल आपके शव वापस आएंगे, केवल आपके शव। इसलिए विवेक का प्रयोग कीजिए, जोश से नहीं, होश से काम लीजिए। आप ही बताइए क्या करें, बस हाथ पे हाथ धर के इस दुर्ग में बैठे रहे शांति से और देखते रहे उसे गोले बरसाते हुए। कल्ला इस समय हमें बस शांत रहना है, हमें प्रतीक्षा करनी है कि शत्रु कब कब एक भूल करेगा और हम भरपूर लाभ उठाएंगे उस भूल का। तब तक गवाने दीजिए इसे, व्यर्थ व्यर्थ अपने गोले भरे भर गवाने दीजिए। हुजूर, अगर हम ऐसे ही गोला बारूद चलाते रहे तो बहुत जल्द हमारा गोला बारूद खत्म हो जाएगा। दागो तो। चाहे जो भी हो जाए, हमारी तोप से आग निकलना बंद नहीं होना चाहिए। अब से हर चार घंटे के बाद हमारी तोप से गोले निकलने चाहिए और चित्तौड़ के किले पर लगने चाहिए। हमारा मकसद चित्तौड़ के किले की दीवारों को तोड़ना नहीं, बल्कि अपने दुश्मन के हौसले को तोड़ना। रात भर सोने मत दो, चाहे नई खेप मंगवाओ गोला बारूद, चाहे कारीगर को बुलाकर यही असला तैयार करवाओ, अकबर आजम की तोपों से आग बरसना बंद नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं हुआ जब थे, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये बस वही गोला है। हम है ना आपके साथ, डरने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके जल लेकर आते हैं। नहीं रुकिए, हम ले आएंगे। ऐसे तो कोई सो ही नहीं पाएगा रात भर, परंतु अकबर को क्या लाभ मिलेगा यूं बार बार तोपे दागने से? चाहता क्या है वो? अरे वो मुगल हमें हर रूप से हताश करना चाहता है, हमारी शांति भंग करना चाहता है, हमारा मनोबल तोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि हम झुंझुला कर कोई ऐसी भूल कर बैठे जिसका वो भरपूर लाभ उठा सके। पर नहीं,
हम ऐसा होने देंगे नहीं, हम उसके जाल में नहीं फंसेंगे। अजब दे, हमें मानसिक दृढ़ता से धैर्य और मानसिक संतुलन बनाए रखना है, बस। देखिएगा अजब दे, देखिएगा अंत में विजय हमारी होगी। ठीक है, तो फिर आप भी नहीं होंगे चिंतित, हम सह लेंगे इन धमाकों के शोर को, ना ही तो हम अपना मानसिक संतुलन खोएंगे और ना ही अपने धैर्य को। हम आपके साथ हैं कुंवर प्रताप, सिर्फ एक रात के लिए क्या? हम आपका साथ इस प्रकार देंगे कि हम ऐसे कई धमाके वाली रातों को मुस्कुराते हुए बिता लेंगे। हम अभी आते हैं। अजब दे, कहाँ जा रहे हैं आप? अजब दे, अकबर आजम की तोपों से आग निकलना बंद नहीं होगी। दुश्मन को हर लम्हे लगना चाहिए कि वो खौफ से घिरे हुए। अरे मुझे एक बार जाने दो, अब मैं शहंशाह की मदद करना चाहता हूं। मैं एक बार मुझे अंदर जाने दीजिए। कौन है ये आदमी, कहां से आए हो तुम? अरे सुनो, मुझे एक बार शहंशाह से मिलने दो, मैं उनकी मदद करना चाहता हूं, सिर्फ एक बार। हमारे शहंशाह के पास पहले ही 40,000 सैनिक मौजूद हैं, जो कि शहंशाह के एक ही इशारे पर अपनी जान दे सकते हैं। तुम क्या शहंशाह की मदद करोगे? जाओ यहां से। मैं इस जंग को जीतने में उनकी मदद कर सकता हूं। जाओ जाकर पहले शहंशाह की फौज में शामिल होकर दिखाओ, वो भी अपने दम पर, फिर आना हमारे शहंशाह की मदद करने। देखना, मैं जरूर मिलूंगा शहंशाह अकबर से। और याद रखना, आज जो तुम मुझे दुत्कार रहे हो ना, उस दिन कॉर्निश बजाओगे तुम सब मुझे। लगता है ये बुढ़ा पागल हो गया है। जाओ यहां से। हमारी बात नहीं सुनी, वरना वो तो हमें नजर बंद कर देते। ये तो आप और अमर सिंह जी। हाँ, ये तब का चित्र है जब वे एक वर्ष के थे, और हम ये चित्र यहाँ पर इसलिए लाए हैं ताकि हम दोनों इसे देखकर उनकी नटखट बातें याद करें और मुस्कुराएं। 8 वर्ष अजब थे, कैसे बीत गए, कब बीत गए पता ही नहीं चला। अमर सिंह जी आज 8 वर्ष के हो गए। आप अपने राजनीतिक और सामरिक उत्तरदायित्व को निभाने में इतने व्यस्त रहे थे आजकल। हम मानते हैं कि आप अपनी मन की बातें हमसे कह नहीं पा रहे, परंतु आपके मन में अमर सिंह के लिए बहुत प्रेम है। आप मन ही मन उन्हें अधिक चाहते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि आप कितनी गहराई से अनुभव कर रहे हैं उनकी कमी को। हाँ जबते, एक पल ऐसा नहीं बीतता जब हमें उनकी याद ना आती हो। आप तो उनकी माँ हैं, आपको उनकी याद अधिक सताती होगी ना। तो जब थे, उनका दुर्ग से दूर रहना ही अच्छा है, वे जहां है सुरक्षित है। जब थे, रानी माँ बहुत बहुत अच्छा ख्याल रखेंगी उनका, बहुत प्यार करेंगी उन्हें, आप चिंता मत कीजिए।
कि सौरों का चित्तौड़ क्या करे। सुनो, हम यहाँ से तो निकल जाएंगे, पर चित्तौड़ के सौर है तुम्हें पता है ना। लो, अब तुम भी चुप हो गए, हो गई ना समस्या। चलो यहाँ से निकलते हैं, फिर माघ में पता चल जाएगा कि चित्तौड़ कहाँ है। और माई तो सदा कहती थी ना कि भगवान हमेशा अच्छी नीयत वालों की सहायता करता है, और हमारा तो नीयत और उद्देश्य दोनों भले भले हैं ना। अब तो भगवान ही हमें बताएंगे चित्तौड़ का मार्ग। भावर जी, इससे पहले कि हम पकड़े जाए, निकले यहाँ से। आचार्य जी, हमें लगता है कि जैसे हम सीमा। अमर सिंह जी कहीं मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अमर सिंह जी कहीं मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। और जी नहीं मिले। रानी जी, वो यहीं कहीं होंगे। यदि आज हम पकड़े गए तुम्हारी चित्तौड़ जाने की योजना मिट्टी में मिल जाएगी। अमर सिंह जी का ध्यान रखना हमारा उत्तरदायित्व था रानी जी। आप चिंता मत कीजिए, हम स्वयं उन्हें ढूंढते हैं। चलिए आचार्य जी, पहले देखते हैं कि उनका अश्व है या नहीं। धमाके से पूरे महल में धूल का गुबार छा गया है। हम इन मुगलों को छोड़ेंगे नहीं। हवा चल रही है, तोप के धमाकों की धूल महल में लेकर आ रही है। यह हवा सारा महल धूल धूल हो गया है। भावर जी, चले जी, भावर जी का अश्व तो यही है, कहां गए होंगे वो। Merci.